उसका आधार बना कि सहस्त्र तो प्रकटनशील। प्रकटन के क्रम में मानव के द्वारा संपूर्णता प्रकट हुई ज्ञान के रूप में। ज्ञान मूलक खुशी से ये आदमी जीता, उसका प्रारूप है कल्पनाशील। कल्पनाशीलता पूर्वक ज्ञान का प्रारूप समझ में आता। हर मानव संतान में कल्पनाशीलता को सर्वे कर सकते। इस ढंग से रावण देवी के ठाकुर उसके अंदर अभी काम कर रहे हैं। इस ढंग से रावण देवी के बनने से उसके अंदर अभी सब सर्वमानव के जरिए शुभ का एक प्रस्ताव, सर्वमानव के लिए शुभ का प्रस्ताव होने से तो संभव है शिक्षा में इसका स्थान बन सकता है। उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। सर्वमानव शुभ के लिए कहीं प्रस्ताव नहीं, वैदिक विचार के। बाबा, ये जो बात अभी आप बोले कि 20 साल लगा समाधि आने में, समाधि को प्राप्त करने में, परीक्षण करने में इतना समय लगा, पर वो एक तरह से आपकी तैयारी ही बनाया होगा ना उसको। आप ऐसा लगा जैसे आप कह रहे हैं व्यर्थ हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कह रहे हैं कि 20 वर्ष लगा समाधि प्राप्त करने में, तो वो भी तो आपकी एक ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी थी, वो व्यर्थ नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगा आपकी भाषा से कि आप कह रहे हैं कि हमारा 20 साल व्यर्थ हो गया, ऐसा तो आप नहीं कह रहे ना, उसी से तैयारी बनी होगी ना। समाधि के बाद संयम होने की बात कहा, ठीक बात है। और संयम की जो जितने भी बताया वो सब सिद्धि जैसा हमको लगा, वो भी ठीक है। इस ढंग से सब निष्प्रयोजन हो गए, हमारा ढंग से एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक बात उससे संयम किया तो हम सफल हो गए। लेकिन वो आपके तरीके वाला संयम भी ये समाधि नहीं किए होते तो नहीं हो पाता ना। समाधि के बिना संयम नहीं होता है भाई, तो उस तरह से वो यूजफुल तो रहा, वो अनुशासित है, वो समाधि के बाद ही संयम होता। नहीं, वो तो ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जब बाईपास वाला बताए तो वैसे इसको सब बाईपास किया अध्ययन में। हम संयम द्वारा अध्ययन किया, हम संसार को अध्ययन कराना ही होती है। प्रावधान क्या, पद्धति बनाए तो क्या हो गया, ये जो समाधि संयम बाईपास हो गया, ठीक है। उसमें ये लिखा, ये ध्यान देने वाली बात है, अध्ययन के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अध्ययन यदि अनुभव में आता है, अध्ययन पूर्वक अनुभव हो जाता है, ध्यान रहता ही क्या है, ऐसा। तो अध्ययन में जो ध्यान लगाना पड़ता है बाबा, इस ध्यान को थोड़ा और व्याख्यायित करें। वही उसके उसमें उस पर हम ध्यान देने का मतलब है समझने में हमारा गति में बस। समझने में गति में यही ध्यान देने के मतलब, यदि बनता है तो अध्ययन हो जाता है। अध्ययन होने से क्या होता है, पहले शब्द को हम शब्द से बताते हैं, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, वस्तु को साक्षात्कार का कल्पनाशीलता में साक्षात्कार होने की व्यवस्था रहता है। उसके साक्षात्कार होता है तो उसके आधार पर बुद्धि में पहुंच करके वो तद्रूप तदाकार होने वाली शुरू हो जाता है, अनुभव में आत्मा में पूरा हो जाता है, फलस्वरूप वो प्रमाणित करने की वस्तु बनता है। ऐसे बनता है तो वो उसमें उसके लिए भाषा भी दिया जा सकता है, बोध भी कराया, अध्ययन भी कराया जा सकता है, बोध भी होता है। इस ढंग से ये अनुभव का एक परंपरा बन सकता है, यह से शुरू किए उसे मानव का गुणात्मक परिवर्तन होगा। ऐसा जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होगा, ठीक बात। ऐसा इसको जोड़ा,
रमन देव के वहां से शुरू अच्छा अभी अभी जितने भी अच्छे लोगों के साथ बात करते हैं ये आवश्यक है यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने से जैसा आप इसे कर आप इसे कर इसकी आवश्यकता है इसको स्वीकार जी यहाँ पहुंचने पर उसको उसमें पारंगत होने के लिए थोड़े देर लगता ही समझना ही पड़ेगा जीना ही पड़ेगा सारे बात है इसके आधार पर अब मल्टीप्लिकेशन की व्यवस्था लगे ज्ञान से व्यवहार तक व्यवस्था तक आदमी प्रमाणित हो सकता है हर व्यक्ति ठीक बात है इस ढंग से सर्वसुख की बात जी।